वक्रतुंडमाकाय सूर्यकोटि समय प्रभम निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा करतल बाण धनु सती शोभा देखत रूप चराचर मोहा या कुंदेन्दु तुषार हर धवलया शुभ्र वस्त्रवताय वीणा वर्धन मणिकरा श्वेत पद्मासनामा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संपूर्ण सृष्टि की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। खम्मा घणी सा, राम राम सा, नमस्कार। मैं छू कवि प्रदीप पंवार और आज मैं था के बीच में ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन ले हाजिर छा। यो कवि सम्मेलन मारा पिताश्री स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार साहब की 15वीं पुण्यतिथि पर आपका बीच में प्रस्तुत कर रहा छा, वाने समर्पित कर रहा छा। मारा पिताश्री जो मारा गुरु छा, वाने मैं नमन करूँ छू, वहाँ के श्रद्धा समुन अर्पित करूँ छू। और यो ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन इसलिए आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा छा क्योंकि मारा पिताश्री जन कवि छा। वह कई गीत, कविता, शायरी, राजस्थानी गीत लिखा, राजस्थानी से माना बहुत लाड छू, प्रेम जो ही वजह से यो राजस्थानी कवि सम्मेलन आपके बीच वाने समर्पित कर रहे छा। मैं आप सबको स्वागत करूँ छू और मारा साथ आज इस कवि सम्मेलन में राजस्थान का बड़ा बड़ा गीतकार, बड़ा बड़ा राजस्थानी कवि शामिल छे, जो राजस्थानी मायड़ भाषा को नाम पूरा हिंदुस्तान में गुंजायमान कर दियो। जटा जटा राजस्थानी छे, वाने बहुत मीठा गीतकारा का रूप में, हास्य कविया का रूप में सुनियो जाओ छे। वहां में हमारे साथ आज जो गीतकार छे, जो हास्य कवि छे, जो सारा कवि छे, वहां में देश का जाना माना राजस्थानी का कवि देवकर्ण जी देव, प्रेम जी शास्त्री, कमलेश जी शर्मा, बाबू जी बंजारा, नाथूलाल जी शर्मा, दिनेश जी दिवाकर, दामोदर दादीज और श्रीकांत जी पारिक। आज यहाँ सबकी कविता वह भी राजस्थानी में, मायड़ भाषा में आपके बीच में मैं प्रस्तुत करवा जा रहा था। एक बार यहाँ सब कवियों का सम्मान में जोरदार तालियां हो और लीजिए इन्हें शुरू करना चाह आप सबका प्रेम और स्नेह के साथ। जिसान का परंपरा छे कवि सम्मेलन की, वहाँ कवि सम्मेलन जब भी कोई शुरुआत करो, चाहे वह हिंदी का हो, अखिल भारतीय हो, छोटा हो, बड़ा हो, कवि सम्मेलन में उनकी शुरुआत हमेशा माँ सरस्वती के वंदना से हो, माँ सरस्वती का पूजन से हो। तो आज माँ को पूजन अर्चन कर और आज का ई कवि सम्मेलन में माँ की वंदना करवा के लिए मैं एक अच्छा कवि ने ऑनलाइन आपके बीच में प्रस्तुत करवा जा रही हूँ, जी की मिठास भरी जो माँ की वंदना छे वह सीधी सीधी माँ का चरणा में अर्पित हो जाओ छे। उनका स्वर पूरा देश में गूंजा जाए, चाहे छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा कवि सम्मेलन हो, जठे जठे हिंदी छे, राजस्थानी छे, वह सब में लिखा जाए। लेकिन आज ऑनलाइन आपके बीच में अच्छा कवि जो केकड़ी को नाम पूरा हिंदुस्तान में रोशन करियो, वह छे भाई देवकर्ण जी देव। और वह सबसे पहली माँ की वंदना करवा के लिए आज का एक सभी सम्मेलन में हाजिर हो रहा है ऑनलाइन। तो एक बार जोरदार ताड़ियां हो जावे देवकर्ण भाई के लिए। और लियो सुनो ऑनलाइन भाई देवकर्ण। भारत के साहित्यिक परिवेश में राजस्थान प्रांत के टोंक में जन्मे हुए दादा देवीलाल पंवार एक ऐसी महारत हासिल की उन्होंने, साहित्यिक क्षेत्र में एक आलोकित दिदीप्यमान सूर्य के समान, जिनका पुत्र प्रदीप पंवार शानदार साहित्यिक संचालक, मंच संचालक, हास्य कवि और वीररस के कवि। आइएगा आज मैं उनको स्मृति को याद करते हुए माँ वीणा पाणी की वंदना करता हूँ। मैं कवि देवकर्ण देव केकड़ी राजस्थान, राजस्थानी भाषा में छोटे छोटे गीत लिखने की कोशिश करता हूँ। साहब आइएगा वंदना करते हैं और मेरा साथ दीजिएगा। हो मायड़ शारद, मायड़ शारद इवड़ा में करवास, किरपारी राखूं आस,
मुथारी जो मुँ बाटड़ ली रे मन में ले दर्शन री प्यास बिखरती जावे सांस पतरागी मारी आंखड़ ली रे मायड़ शारद। पहला बंद देखिएगा। हे थारी पूजा करूं अर्चना माता पर कर धर दे, थारी पूजा करूं अर्चना माता पर कर धर दे, रीता रीता सा तू कलश्या सात सुरा सू भर दे, मन में जगा दे हारी मन में जगा दे विश्वास, तारा चरणा का दास रटे छे दिन रात ली रे मायड़ शारद, हिवड़ा में कर वास किरपारी राखू आस मुथारी जो बाटड़ ली। दूसरा बंद देखिएगा। उजला उजला वसन तिहारा माथे मुकट सुहावे, उजला उजला वसन तिहारा माथे मुकट सुहावे, थारो रूप सलोणो लागे बरण्यो ही ना जावे, थारो रूप सलोणो लागे बरण्यो ही ना जावे, मते करजे मारी मते करजे मानी राश दुखड़ारा कर नाश, भगता ने दे दे पातड़ ली रे मायड़ शारद, हिवड़ा में कर वास किरपारी राखू आस मुथारी जो बाटड़ ली रे मन में ले दर्शन री प्यास बिखरती जावे सांस पतरागी मारी आंखड़ ली। और तीन लोक में दे दीप्यमान करने वाली माँ सरस्वती, एक बिंदिया जो संपूर्ण संसार को आलोकित करती है, एक बंद निवेदन करता हूँ, एक विलक्षण बंद आपके सामने। कि थारे माथे ज्ञान रो सूरज बिंदिया बनने भड़के, थारे माथे ज्ञान रो सूरज बिंदिया बनने भड़के, तीन लोक रो ज्ञान समायो रोम रोम स्यू रलकेरी, फैला तारो प्रकाश सुन ले मारी अरदास, फैला तारो प्रकाश सुन ले मारी अरदास, मायड़ स्यू कर लू बातड़ ली रे मायड़ शारद, हिवड़ा में कर वास किरपारी राखू आस मुथारी जो बाटड़ ली रे मन में ले दर्शन री प्यास बिखरती जावे सांस पतरागी मारी आंखड़ ली रे मायड़ शारद। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। तो भाई देवकर्ण जी के लिए जोरदार ताली, मीठी सरस्वती वंदना थे सुनी। अब कवि सम्मेलन आगे बढ़ाओ, जब माँ की वंदना होगी, माँ का सभी कवि मित्रों को जो आग्रह जो कई को शुभारंभ जो कवि सम्मेलन का, तो क्योंकि पिताश्री ने मायड़ भाषा से बहुत प्यार छो, वो बहुत सारा गीत लिखा, बहुत सारी कविता राजस्थानी में लिखी, सब दोस्तों को यो आग्रह जो कवि दोस्त मित्रों को, तो भाई मैं पिताश्री की कोई गीत कोई कविता होनी चाहिए, तो लीजिए मथाने वहाँ को एक प्रिय गीत वैसे तो न गा सकूँ मैं जैसा वो गाओ चाहे, क्योंकि मेरे को गायक कौन है गीतकार कौन है, मैं फिर भी कोशिश करूँ जो वहाँ को गीत थाका तक पहुँच जाओ, उनके बाद एक एक सारा देश का लाडला राजस्थानी का कवियन था के बीच में पहुँचाऊँ मैं वो गीत। कश्याम सांवरिया बिगर चुनड़ी, कश्याम सांवरिया बिगर चुनड़ी, बेरन बरस छे बदरिया बिगर चुनड़ी, बेरन बरस छे बदरिया बिगर चुनड़ी। सावन की महीना को और उदृश्य ने आपके बीच में बरसात बरस रही छे, और कशान मिलबा की चाह
एक नायिका का मन में छे उन्हें आपके बीच में तो उमड़ घुमड़ घण आवण लाग्या बिजली कड़कड़ कड़के, उमड़ घुमड़ घण आवण लाग्या बिजली कड़कड़ कड़के, अर कांपण लाग्यो गात अछू तो छाती धड़ धड़ धड़के, कांपण लाग्यो गात अछू तो छाती धड़ धड़ धड़के, बलमा बाली छे उमरिया बिगर चुनड़ी, बलमा बाली छे उमरिया बिगर चुनड़ी, ठंडो ठंडो बाजे बायरो बिरखा बरसण लागी, ठंडो ठंडो बाजे बायरो बिरखा बरसण लागी, देरी ऊपर खड़ी खड़ी मैं थर थर कांपण लागी, देरी ऊपर खड़ी खड़ी मैं थर थर कांपण लागी, चूमण लागी चूमण लागी छे अटरिया बिगर चुनड़ी, बेरण बरसे छे बदरिया बिगर चुनड़ी, नेणा कोका जलबे आग्यो गाला पे घुल घुल के, नेणा कोका जलबे आग्यो गाला पे घुल घुल के, पूछ पूछ कर हार गई मैं, पूछ पूछ कर हार गई मैं बार बाल लुड़ लुड़ के, पूछ पूछ कर हार गई मैं बार बार लुड़ लुड़ के, अर काटन लागी छे काटन लागी छे कमरिया भीगर चुनड़ी, कशा आऊ मसावरिया भीगर चुनड़ी, मेहंदी मंडिया पगा में मारे लिपटन लाग्यो गारो, अंतिम बंद छे उनको और नायिका की काई बात छे के मेहंदी लग्या पड़ा मेहंदी लग्या पगा में मारे लपटन लाग्यो गारो, और गोडा तक घा गरियो आग्यो थाक बगड़ गयो मारो, मेहंदी लग्या पगा में मारे लपटन लाग्यो गारो, और गोडा तन घा गरियो आग्यो गोडा तक घा गरियो आग्यो थाक बगड़ गयो मारो, कडूबी पानी में डगरिया भीगर चुनड़ी, बेरन बरसे छे बदरिया भीगर चुनड़ी, कशा आऊं मैं सांवरिया भीगर चुनड़ी। बाबूजी ने श्रद्धांजलि दें छा वाने नमन करा छा, एक बार आप सबकी ताड़ियां हो जा। अब मैं एक कवि सम्मेलन आगे बढ़ावा छा, माँ की वंदना होगी बाबूजी को स्मरण हो गयो, और लो आगे चला छा ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन में। अभी कवि सम्मेलन में राजस्थानी ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आपके बीच में जुड़वा जा रहा है अशिया कवि जाना हाड़ोती का कोटा को नाम पूरा हिंदुस्तान में जठे जठे राजस्थानी सुनी जाओ है, और अशिया मीठा गीतकार जिद मंचा पर सुना हो जाए तो लोग सात सात गीत पांच पांच गीत जाना सुनो चो कणकोट ताड़िया बाजती रहो छे, वह गीतकार जाको नाम छे प्रेम शास्त्री, प्रेम का अच्छा अच्छा गीत सुनाओ जो मन नाचवा लग जाओ, एक बार जोरदार तड़े हो जाओ जी के लिए ए वह आवे, और आप ऑनलाइन थाने अशो बढ़िया गीत सुनावे बाबूजी की ई जो कवि सम्मेलन हो रही हो जो वहां की पंद्रहवीं पुण्य तिथि पर ऊपर आप कभी ऑनलाइन जुड़वा जा रहे जे कोटा का प्रेम शाती जोरदार तड़िया मित्रों, आज स्वर्गीय दादा देवीलाल जी अवार का पुण्य दिवस है, और इस दिवस पर मैं उस लाडले लोक गायक भजन गायक कवि शायर जिन्होंने विभिन्न विधाओं में काम किया, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ऐसे उस जन जन के लाडले दादा देवीलाल जी पंवार की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ, और साथ ही धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ
उनके सुपुत्र हमारे परम मित्र जन जन के लाडले राष्ट्र चेतना के स्वर को पूरे देश में गुंजायमान करने वाले बड़े बड़े मंचों के संचालन करने वाले ऐसे सिद्ध हस्त कवि भाई प्रदीप पंवार को, और इस अवसर पर एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई श्रृंगार का गीत है, नायिका अपने पति को प्रियतम को याद कर रही है, वो कहीं प्रदेश में है, वो यहाँ पर हैं, उनको पिछले जो प्यार की बातें थी किस तरह से रहते थे वह इनको याद आ रही है, उनको याद कर करके वो अपने मन में उनको याद कर रही है और आह्वान करती है कि आप आ जाइए। यही एक राजस्थानी का छोटा सा गीत है, निवेदन करता आ जाओ बालम जी काया सुख पाक रोगी जी, आ जाओ बालम जी काया सुख पाप रोगी जी, हासी मसकरिया नैना बाता, हासी मसकरिया नैना बाता, अब कैया हो गई जोगी जी, आ जाओ बालम जी काया सुख पाप रोगी जी। क्या क्या बातें याद आ रही हो, कैसे रहते थे, हे जी तस को न हो तो भी पानी का लोठिया कमस, तस को न हो तो भी पानी का लोठिया कमस, मड़ी पर बुलार मीठी बात चटका उचा, छान छान आता हाउ केक डर पाता पण, डरे पाचे हाथा उठा हिबड़े लगा उचा, हे जी तस को न हो तो भी पानी का लोठिया कमस, मड़ी पर बुलार मीठी बात चटका उचा, छान छान आता हाव के डर पाता पण, डरिया पाचे हाथा उठा ही बुड़े लगाओ चा, ए नींद न आव मन हेरा आवे, नींद न आव मन हेरा आवे, या मई रात खोगी जी, आ जाओ बालम जी काया सुख पाप रोगी जी। अगला छंद देखिए आप, हे जी हारमोनिया का सुराप ते आंगणा पर आउचा, झूम झूम गाव चार मन भी झुमाउचा, हे जी हारमोनिया का सुराप ते आंगणा पर आउचा, झूम झूम गाव चार मन भी झुमाउचा, लेके लम्बी सांस थे अलाफ जी लगाउचा, तू रूम रूम नाच पाओ घुघरा बजाउचा, और मुँह कहवे ची अब तो सो, मुख बेची अब तो सो, सारी दुनिया सोगी जी, आ जाओ बालम जी काया सुख पाप रोगी जी, आ जाओ बालम। अगला छंद निवेदन कर रहा हूँ, देखिए आप प्यार की कैसी धार होती है। ए मांड भेजी पातिता को गणो उपकार, चिट्ठी पत्रियां तो खूब आ रही थी लेकिन यार कहीं चाटू, हे जी मांड भेजी पातिता को घणो उपकार पण, कागद की नाव बैठ कुन हुआ पार छे, हे जी मांड भेजी पातिता को घणो उपकार पण, कागद की नाव बैठ कुन हुआ पार छे, प्यार तेज धार बह्यो उद्धव को ज्ञान यो, तो रोग छे असाध थाक आया उपचार छे, हे जी बिना दवाई खाया चोखा, बिना दवाई खाया चोखा, कद हो या छे रोगी जी, आ जाओ बालम जी काया सुख पाप रोगी जी, आ जाओ बालम जी काया सुख पाप रोगी जी। हे अंतिम छंद निवेदन कर रहा हूँ, हे जी था की अगवाणी मुत पल कम बिछार बैठ, हे था की अगवाणी मुत पल कम बिछार बैठ, जल झारी थाल से जी पूजा में तैयार छे, काल जाक जगरा पुसे के मन लाडू भटी, सपना का फूल पोया प्यार भर हार छे, हे जी था की अगवाणी मुत
पलक बिछार बैठ जल झार ताल से जी पूजा में तैयार छे काल जाक जगरा पुसे क्या मन लाडू भट सपना का पूरे पोया प्यार व्यवहार छे ए आओ भोग लगाओ जी भूखा आओ भोग लगाओ जी भूखा तू बेटा तू भोगी जी आ जाओ बालम जी काया सुख फाप रोगी जी आ जाओ बालम जी काया सुख फाप रोगी जी हाँसी मसकरा नैना बाता अब कैया हो गई जोगी जी आ जाओ बालम जी काया सुख फाप रोगी जी आ जाओ। प्रेम जी के लिए जोरदार तड़े हो जाओ। आपने वो सुनायो के बालम जदिया परदेश में जा, आप तो समझ ही रिया होगा लॉकडाउन से घरवाली अटी फसगी, घरवालों फटी और फसगी हो और मिलन नो पारियो तो वह अर्जी लगाई कसूख फाप रो होगी जी आ जाओ बालम जी। अब बालम आ रहा है पर आवा कशा लॉकडाउन छे, यही स्थिति और यही प्रेम जिन्हें आपके बीच में प्रेम शास्त्री जी सुनाया एक बार। हम आपके बीच में जो कवि ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन में हाजिर हो बा रही जो ऑनलाइन वो कवि जी ने देखते ही तान हंसी आ जाओ, हंसी घट भी ना मिले भाई साहब। हंसी जानवर इंसान में कोई विशेष अंतर को न, जो काम जानवर करे इंसान करे, जानवर खाओ इंसान खाओ, जानवर सो इंसान सो, पर एक अंतर छे जानवर हंस न सके इंसान हंस सके छे। जद्या भी कोई जानवर हंस है तो समझ लियो कि वो मनक बनवाड़ो छे, और जद्या भी कोई मनक हंसबो बंद कर दे तो समझ लियो कि वो जानवर बनवाड़ो छे। आओ हंसावा के लिए आपके बीच में जी की पूरी दुनिया में पूरी राजस्थान जटे जटे राजस्थानी छे उठे उठे उनकी हंसी गूंजे छे, उनकी कविता गूंजे छे। वो छे केकड़ी को कमलेश शर्मा, वो आओलो और थाने हंसाओलो और आप आनंद लीजो उनकी हास्य कविता में। एक बार जोरदार ताड़ियां कमलेश शर्मा। नमस्कार आदरणीय प्रदीप जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और मुझे ये सुनहरा मौका आपने दिया, मैं आपको तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। और ये सुनहरा मौका भी मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज देश के जाने माने कवि आदरणीय देवीलाल जी, जो कि टोंक निवासी थे आपके पिताजी, वो ऐसे कवि थे, उनकी कविताओं को पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा था और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम कवि बने हैं। तो उनके सम्मान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरे शब्दों में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ, फिर भी दो शब्द मैं उनको समर्पित करके मैं अपनी कविताओं पे आऊंगा कि माना कि मैं भी कवि हूं पर ये बात सरासर अभिमानी है। माना कि मैं भी कवि हूं पर यह बात सरासर अभिमानी है, कविताओं के वो सागर थे हम चुल्लू भर पानी है, हम चुल्लू भर पानी है। लीजिएगा, इन्हीं के साथ मैं अपनी हास्य कविताओं से जाना जाता हूं, तो आपको लीजिए हंसाने और गुदगुदाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल मैं राजस्थानी कवि हूं और राजस्थानी की बातें करता हूं, हिंदी में तो मैं वैसे भी लिखता नहीं हूं, बात भी नहीं करता हूं। अच्छा, मैं गांव को कवि हूँ और गांव में कसी कसी पोजीशन ना होया करे वो मैं आपने बताऊं। अच्छा, गांव की जतरी भी माता बेणाए है आपनी, वे सब आधा शब्दा ने काट पीट काम में ले लेवे, कशान लेवे था कि जेब में माशी पड़ी एक उरी द्योक, नाम तो माचिस पण खेवे उन्हें माशी था कि जेब में मारी माशी पड़ी जो उरी दो। अशान की 5-10 लुगाया बेड़ी और बस स्टैंड की, क्योंकि वाने खटई गांव गोट जानो हो तो वे साधन को इंतजार कर रही के कोई साधन आ जावे तो बेटर आपा गांव चला।
अब वे वहां की भाषा में साधन नहीं कह रही, साजन। नाम तो साधन पर खेरी साजन। अब एक लुगाई कही बोली के देखिए दारी, आपनो टेम तो यूं ही जा रही हो और एक घंटो हो गयो कोई साजन ही ना रही हो। जत्र दूसरी बोली, थन्ने कियो ये घर का साजन की होड नो वे, पर या साजन ने तो फरो बाड़ो, घर का साजन पर तो जमज दे छड़ो और जमज दे उतरो। जत्रे तीसरी बोली, नहीं नहीं आली मारे तो खदे खदे पराया साजन पर बेट बाकी भी जचे, अये यूं आपना घर का साजन की घिसेर पेंट्रोल दो ही बच्चे। चत्र चौथी बोली के देखिए देख, ई ग्यासी को साजन तो एकदम सटीक है और चार जना बैठ जावे तो इको एवरेज तो ठीक है। जत्रा में 70 साल की डोकरी का उनका भी हार्ट गया, खड़खड़ाट कर बला गया। वह बोली, खई करा भाई, मा को साजन तो खटारो हो गयो, जाने या तो बंद होती होटल है, अब साजन भी कहीं करे यो तो 1960 को मॉडल है। लीजिए ऐसी की स्थितियां बढ़ जाओ अपने बीच में। आइएगा मेरी चर्चित कविता से जुड़िएगा कि आके गांव में फूटरी लुगाई मारी, अब गांव वाला ने यही तो कुचिर खारी, बोलिया का कमलेश जी चुनाव लड़ा वाला और उम्मीदवार थाने नहीं था कि लुगाई ने बना वाला। भाई क्यों रे डबोरे डबो दादाओ, मारी बात तो सुनो और मारी लुगाई ने छोड़ो यार, कोई दूसरा की लुगाई ने चुनो। पर गांव का जिदेला मारी बात ना हवा में उड़ा दी और भाई साहब लुगाई ने निर्विरोध वार्ड मेंबर बना दी। निर्विरोध वार्ड मेंबर बनते घर के बाहर ढोल नगाड़ा बाजबा लाग गया और भाई साहब मारी लुगाई की बंदोरी खाटबा लाग गया। मारिया कुसी के बड़ाका पर बड़ा को फूट रियो, पर भाई साहब मारा जीव को तो धुंधाड़ो उठ रियो, मना हंसी ना आवे फिर भी मना हंसनो पड़ रियो और भेम को कीड़ो तो भाई साहब भेजा में छड़ रियो। भेम भी अशो के हिया हलोड़ा लेवे और थे ही जानो के गली बाड़ में तो हर कोई पक देवे। वार्ड मेंबर बनते हैं बाजा मारा घर की गत बगड़बा लागी, अब एक बढ़कर एक समस्या मारा घर में बढ़बा लागी। समस्या सुनो कि मारी लुगाई को तो जाने घर बैठे भाग जागियो, अब रोज रोज सरपंच मारे घर आबा लागियो। सरपंच की छोड़ो सचिव भी कम कोने, वो भी आए दिन दिमाग के धक्को दे जावे और नरेगा चेक करवाना पात्र लुगाई ने पटानर ले जावे। छाती पर बाटा मेलर रेवा, अब थे बताओ सचिव ने सरपंच ने खई खेवा। ईमानदारी की बात है, एकदम तो सुबह सुबह दिमाग खराब करवा क्यों लालो, आता ही बोलियो का कमलेश जी बार का बार मशाना में चालो। मैं क्यों रहा सुबह सुबह तो मुंडो सीधो बोल भाई, अरे जीवता आदमी ने मशाना में ले जाए कहीं, कहां दिमाग खराब कर रियो है। वो बोलियो के थाने कहीं नंगे मांजो मशाना में अतिक्रमण कर रियो है। मैं क्यों रहा मांजा की कहीं केवरा ऊ तो पूरा को पूरो भूको है, अर्थारो बाप भी तो मशाना में कब्जो कर सूतो है। वो बोलियो नहीं नहीं मारा पिताजी तो 5 बरस पहले स्वर्ग सिधार गया, मैं क्यों तन नंगे ही कोने वे जुजार जी बनर पाचा पधार गया। अब वे चोराया पर वो चूतरो बनार पुजवारिया, अब थे ही बताओ लाला राम जी कश्या अतिक्रमण ने छुड़वारिया। आका तीज पर बेरियो छोरा ने परनाबा लागियो और भगवान की शोगन मारो बेजो बरनाबा लागियो। वो आते ही बोलियो का कमलेश जी जीम्बो तो खाल को है, पर छोरा तो मारो 15 साल को है। मैं क्यों रे बेरिया मैं ही करूं,
वो बोले कहते तो मारे माथे हाथ धरो और कागजा में कमू कम ई छोरा ने 21 साल को तो करो। एरिया की भावना ने देख भाई साहब ई काम ने मैं भी पंचायत की छाती पर छड़ा दियो। अब पंचायत आला जुमिया जी छोरा ने 51 साल को बना दियो। वो आते ही बोलियो को कमले जी मारा जीव को कुंडो करना क्यों और बड़ी जवानी में छोरा ने थे बूढ़ो करना क्यों। मैं क्यों रहा बूढ़ा बूढ़ा ही परंडरिया थूका ले रही हो टेंशन और अगला महीना मत चालू करा दी ला की पेंशन। वो बोलियोगा पेंशन तो 500 रुपया आवते तो 1000 रुपया ले रही, काम करो और जटा तक पेंशन चालू न हो था कि लुगाई ने मारा छोरा के नाम करो। इनकी समस्या होगा भाई साहब। अच्छा मोहल्ला में तो गड़गड़ो में मर जावे तो महाराज जी उन्हें खबर कर जावे क्योंकि पूरा गांव तो डोड श्याणो भरेड़ो है और कुत्ता पर भी पंचायती करी यार यू हड़क्यो और मरेड़ो है। आवे जी मारा घर की घंटी बजावे के कमलेश जी बाण ने तो झांको और मोहल्ला में गड़गड़ो मर गयो इन्हें फ्रो फांको। ए विरोधी तो भाई साहब बाता करे हमेशा लड़ाइया की, अब ते ही बताओ माने मरेड़ा गटगड़ा पांगवा ने मेंबर बनाया कि। मारा मुंडा ने देखकर मारा पिताजी बोलिया के कहाँ थारी 22 किलो की बॉडी ने 12 किलो पर लारियो है, मने बता था ना कहीं चमचाड़ो खा रियो है। मैं क्यों पिताजी मने तो मारो वार्ड ही समझ में ना रियो और धन्य है मोदी ने जो पूरो हिंदुस्तान चला रियो, पूरो हिंदुस्तान चला रियो। कमलेश की कविता में था ना जोरदार हंसी आई होगी, उन्हें तो देख पास ही आ जाओ जो कविता तो बाद की बात है। एक बार कमलेश शर्मा केकड़ी के लिए जोरदार ताड़ियां। अब दोस्तों था के बीच में जो ई ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन में जो कवि ने मैं जोड़वा जा रही हूँ मालपुरा को, अच्छा कवि है वह साहित्यकार है, बड़ो अलग प्रकार से लिखा है, अलग प्रकार से गाओ है, कई ऐसी प्रतिभा जी जाना कि ई कवि सम्मेलन में था के बीच में प्रस्तुत करवा जा रहा है। वह टोंक को बनास को गीत, बनास कसी हो ची बनास कशान की छे और बनास की महिमा और बनास को प्रेम वहाँ का वो गीत मत आपके बीच में आबा जा रही है। ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन और उनको नाम छे नाथूलाल जी शर्मा, नाथूलाल जी गौतम जो कि मालपुरा से आपने बीच में जोड़वा जा रहे थे ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन में। तो लियो सुनो और एक बार जोरदार ताड़े बजा दो। मैं नाथनाथ शर्मा मालपुरा परम पूजनीय सूर्य श्री देवीलाल जी पंवार दादा की पुण्य समर्थि में चार पंक्तियों से दादा को नमन करता हुआ दादा के टोंक शहर की प्राकृतिक छटा व संस्कृति के काव्य सुमन अर्पित करता हूँ। कि सुखी रहे सब धारा प्रेम की बहनी ते, सुखी रहे सब धारा प्रेम की बहनी ते, इसी का ही मन से जतन करता हूँ मैं। और गीत और कविता में भाव ऐसे भरता, गीत और कविता में भाव ऐसे भरता, सार देखी कृपा का आगाज करता हूँ मैं। और चाहता हूँ शब्द सारे और शुद्ध संस्कार, चाहता हूँ शब्द सारे और शुद्ध संस्कार, इसी का ही मन से पुकार करता हूँ मैं। और काव्य के सुमन चढ़ाऊ कवि वर पे, काव्य के सुमन चढ़ाऊ कवि वर पे, इससे पूर्व हाथ जोड़ी दादा को प्रणाम करता हूँ मैं, इससे पूर्व हाथ जोड़ी दादा को प्रणाम करता हूँ मैं। अब मैं इसके बाद दादा को कविता के रूप में कुछ काव्य सुमन अर्पित कर रहा हूँ। कि मन भावन बनास धरा की महिमा अपरंपार, निसर रही जे परियां ढूंढाड़ी पायल री झनकार, निसर रही जे परियां ढूंढाड़ी पायल री झनकार, सुनहरो टोंक शहर बाजार, घर घर ढूंढड़ी श्रृंगार, घर घर ढूंढड़ी श्रृंगार, चारों धर्म को संगम हो रो, गीत मधुर गावे गोरी, सर्वधर्म स्वरग्न छू रो, तपोभूमि धरती ओरी, तपोभूमि धरती से निसर रिया देश भक्ति का भाव,
हर्ष उल्लास हो रो ही मैं जन जन में ऊँचाओ जन जन में ऊँचा वसुआर यो शहर में निखार निरालो टोंक शहर बाजार घर घर ढूंढाड़ी सिंगार अजी डूंगर डगर से निखर रही छे मन मोहक परिभार भोर गुलाबी छटका रही रंग खिले फूल पात पात रंग बिरंगी छटा निराली लाली माँ को उजास मिश्री साखर बूजा काकड़ी मिश्री साखर बूजा काकड़ी बनास बुझा रही प्यास मनमोहक छटा देख कर हरस रिया नर नार सलोनो टोंक शहर बाजार घर घर ढूंढाड़ी सिंगार घर घर ढूंढाड़ी सिंगार आज गली गली और शहर द्वार पर शिक्षा केंद्र दमक रहा छे संस्कार युक्त शिक्षा पाकर बल के बली कमक रहा छे सज धज करके आव नर नारी दूर दराज के गाँव से रंग बिरंगी छटा बिखेरे मीठी बोली ढूंढाड़ी से पुण्य समृति पे नमन करे छे पुण्य समृति पे नमन करे छे कवि गौतम परिवार सुनहरो टोंक शहर बाजार निराड़ो टोंक शहर बाजार घर घर ढूंढाड़ी सिंगार घर घर ढूंढाड़ी सिंगार। नाथूलाल जी ने तो सुनिया तो आयो लो आनंद का भाई बनास कसान की ची खरबूजा काकड़िया मीठा मीठा ये सब रहा टोंक पास जो बनास जी उनको एक समझ लो श्रृंगार जो वो आपने नाथूलाल जी सुना एक बार नाथूलाल जी का फेर जोर से। अब ये ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन जो मारा पिता श्री स्वर्गीय देवीलाल जी पंवार साहब की 15वीं पुण्यतिथि पर आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा था ई कवि सम्मेलन में आप एक अच्छा कवि ने मैं आपके बीच में नोतो देवा जा रही हूँ जो किशनगढ़ की नाम ने पूरा राजस्थान हिंदुस्तान जठे जठे भी राजस्थानी सुने जाओ जो उठा उठा किशनगढ़ झाटे जाने जाओ जो किशनगढ़ उठा कोई कवि बहुत ही मीठा गीत ले रहा आपके बीच में ऑनलाइन जुड़वाड़ो है और उन्हें आप यू समझ सको जो उनका गीत ना बार लॉकडाउन में आप सुन ला तो आनंद आ जाएगा पति परदेश में लुगाई घर में और मोबाइल की इसे कितनी परेशानी हो ना आओ जो मोबाइल बचान तो बहुत सहयोग है बार तो लेकिन फिर भी रोजमर्रा का जीवन में मोबाइल कशान उनका सहयोगी नौवर कशान उन्हें मोबाइल परेशान कर जाए और मोबाइल की खूबियाँ मोबाइल सब मिल रहा कशान कशान जीवन के अंदर काई काई हो रही जी सब ने बहुत ही हास्य को कवि जी और राजस्थानी गीत के माध्यम से हास्य के माध्यम से वो हमेशा ही हंसातो रहो और गुदगुदातो रहियो जे तो राजस्थानी गीता से जो अपनी अनोखी विधा से राजस्थानी गीता ने देवच सींच अब आपके बीच में आ रही किशनगढ़ को दामोदर दादीज तो लीजिए जोरदार ताड़ियां दामोदर जी दादी नमस्कार प्रदीप भाई जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे याद किया। आज का विशेष जो कार्यक्रम है वह मैं श्रद्धेय श्री देवी सिंह जी पंवार साहब जो दादा के नाम से विख्यात कवि हुए भाई प्रदीप पंवार जी के पिताजी उनको नमन करता हूँ। मोबाइल के बारे में क्या कहा जा सकता है, मोबाइल आज की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है उसको लेकर के और मैंने चार छह लाइनें लिखने का प्रयास किया। घर परिवार में से कविता उठती है, कविता इस प्रकार उठती है, पत्नी ने मुझे कहा मैं अकेली रहती हूँ मुझे मोबाइल दिला दीजिए और वहाँ से इस गीत का जन्म होता है।
मारो साहिबो के मारो साहिबो करे छे मिस कॉल बात मशू उठाई नी करे मारो साहिबो करे छे मिस कॉल बात मशू उठाई नी करे देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे काई का मतलब परेशान कि मारो साहिबो करे छे मिस कॉल बात मशू उठाई नी करे देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। और काई परेशान किस प्रकार से किया जा सकता है, कथे तो कवि सम्मेलन में दौड़ गया बलम मान सुनी से जा माते छोड़ गया बलम सुनी से जा याद सुनी से जा नींद नहीं आवे रे धनी आधी आधी रात याद आवे गणी फिर मोड़ो मोड़ो आवे फिर बात बात मशु नहीं करे देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। और उसका उलाना है कि ये कवि क्या बन गए कि डाइनिंग बेडरूम और बाथरूम डाइनिंग बेडरूम और बाथरूम कविता बनावे मारो ढोलो घूम घूम पूछा कोई बात कविता में दे जवाब कवि गाय बनाए तो बन गया नवाब हेरे कवि गाय बनाए तो बन गया नवाब कलम दवातियां के सराना दिखे आदि आदि राता डोलो कविता लिखे खुद सोवे न सोबा देवे खुद सोवे न सोबा देवे रात्यों ही ओह ताई करे देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। मोबाइल के लिए आगे क्या कहा जा सकता है, जिस व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ गया वह किस प्रकार का हो जाता है कि मोबाइल राख बाला झूठ सीख जा मोबाइल राख बाला झूठ सीख जा हेरी मोबाइल राख बाला झूठ सीख जा हर चौका चौका सीख गाई ठूंठ सीख जा बोल को न जाने वे बोल ही घणार जाके को न दांत वे ही चाव ले चना मीठा खर चार डोला मीठा खर चा करा तेरी चार तार लाग मर जा मीठा कर चार डोला मीठा कर चार करा तेरी चार तार लाग मर जा हे होडा होडी गोडा मत गाड़ो बाल मा होडा होडी गोडा मत गाड़ो बाल मा मीठा कर चान पर वालो बाल मा गर नहीं होवे बैलेंस गर नहीं होवे बैलेंस फेरू भी डोलो ट्राई करे देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। और इस गीत में मैंने संदेश क्या देना चाहा है आप देखिए और आनंद लीजिए। सच्चाई क्या हो सकती है कि मोबाइल न मत जानो जीव की जड़ी मोबाइल न मत जानो जीव की जड़ी ईशु बीमारियां हुए छे डोला बड़ी बड़ी मोबाइल न मत जानो जीव की जड़ी ईशु बीमारियां हुए छे डोला बड़ी बड़ी आवश्यक काम मत यूज ते करो इन मत मचकाओ डोला घड़ी घड़ी विज्ञान की यादें देखो साधन सुजान विज्ञान की अधेन देखो साधन सुजान इम लाभ की बरोबर डोला छे जिनु किसान जद करा में ज्ञान की बात जद करा में ज्ञान की बात आली जो हाथा फाई करे देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे देखो तारा रे छा गई रात बलम मन काई करे। जय जय दामोदर जी राजी आपके बीच में बहुत ही मस्ती भरे गीत प्रस्तुत करियो और आनंद आयो एक बार ताले। अब ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन में जो आपके बीच में जुड़वा जा रही है मालपुरा का एक ऐसो मस्त कवि है हिंदी में राजस्थानी में सब में लिखा जाए दूर दूर तक जाओ जो साहित्यकार का रूप में जाने जाओ लेकिन और इस समय जो आपने सुना बात जारी जो वो निश्चित आप सुन ला तो आनंद आ जाओ लोगों भाई एक काई काई कोरोना में काई काई स्थिति है कोरोना क्योंकि बार कोरोना चाल रही है तो अब कोरोना में काई हो रही है जान तो कोरोना योद्धा जितना भी छुआ को मैं अभिनंदन करा जाऊं वहां सबने स्वागत करा जाऊं वहां सबके और वहां ना बहुत ही आदर दे रहा है लेकिन अब वो काई सोच रही जी बारे में और इस समय में उनकी काई वाणी से ई बात के लिए अब आप था का समय ऑनलाइन जोड़वा जा रही हो वो कवि ने जो मालपुरा को नाम बहुत रोशन करे जे उनको नाम हो जे दिनेश दिवाकर
और दिनेश दिवाकर ना आप सुनो और आनंद लियो। दिनेश दिवाकर के लिए जोरदार ताले बजा। मैं दादा ने प्रणाम करूं जय शब्दा में कि जन कवि देवीलाल ने घना घना प्रणाम। जन कवि देवीलाल ने घना घना प्रणाम कि जा का पुत्र प्रदीप ने जाने देश तमाम। जाने देश तमाम कृपा ऐसी बरसाओ कि कवि प्रदीप ने पद्मश्री खिताब दिलवाओ, क्योंकि प्रदीप पवार और पद्मश्री की राशि एक ही है। तो मैं तो ऊंची कल्पना करा माँ का मित्र के लिए कि वानयुग खिताब प्राप्त हुए, परमात्मा कृपा करें और पिताश्री को आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो दादा ने समर्पित करूं कि थाकी गजला गीत भजन दादा नित गावा। थाकी गजला गीत भजन दादा नित गावा, आशीष दो जीवन में आगे बढ़ता जावा। या पुस्तक जो या की स्मृति में कवि प्रदीप जी निकाली, मैं इन्हें पूरी पढ़ी और एक प्रेरणा सु मैं कुछ लिखवा को प्रयास करूँ छूँ कि थाकी गजला गीत भजन दादा नित गावा, आशीष दो जीवन में आगे बढ़ता जावा। कह दिनेश कविराय प्रभु चरणा में रहीजो, कह दिनेश कविराय प्रभु चरणा में रहीजो, मां ने भी कविता लिखवा की शक्ति दीजो। और जो आजकल कुछ चाल रहे है कुछ व्यंग्य लिखवा को आदेश हुए प्रदीप जी को, तो आजकल की स्थिति जो देखी मैं पुराना में जो भी काम हो रहा है, लेकिन सम्मान मिल तो जा रही है, सम्मान के विपरीत प्रतिक्रिया कहीं हो रही है। एक बारे में लिख रही हूँ मैं कि जगह जगह कोरोना योद्धाओं को सम्मान हो रही है और जगह जगह वहाँ के लिए पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन जनता ने कहीं मिल रही है। इनके लिए मैं देखे जो लिखे छूँ कि कोरोना योद्धाओं को सम्मान ठोर ठोर हो रो, जन समुदाय जाकी जय जयकार गाया छे। कोरोना योद्धाओं को सम्मान ठोर ठोर हो रो, जन समुदाय जाकी जय जयकार गाया छे। धन्य धन्य कर्मवीर आपने सलाम करा, खतरा सु खेल कर कर्तव्य निभाया छे। और जनता रो अपार स्नेह अतरो मिलो छे याने, जनता रो अपार स्नेह अतरो मिलो छे याने, कि पुलिस फ्लैग मार्च पर फूल छत सुआरिया छे। पर भूले छे सम्मान ने वर्दी का अभिमान में, जनता पर दिवा करिए तो डंडा बरसारिया छे। जनता पर दिवा करिए तो डंडा बरसारिया छे। और कबा को सामान भी खूब मिल रही छे, जगह जगह भोजन का पैकेट बट रहा छे, खाद्य सामग्री बट रही छे, लेकिन उनको उपयोग और दुरुपयोग कहीं हो रही छे। ये मैं लिखियो छु छंद के मायने कि सरकारी अनुदान सु भामाशाह का दान सु कोरोना में मिल रहे खाबा को सामान छे। सरकारी अनुदान सु भामाशाह का दान सु कोरोना में मिल रहे खाबा को सामान छे। और फोटो समाचार छाप दे बाला का ले बाला का, फोटो समाचार छाप दे बाला का ले बाला का, दे बाला का भी छप रहा छे, ले बाला का भी छप रहा छे। तो फोटो समाचार छाप दे बाला का ले बाला का, और मोबाइल अखबार यहाँ का गारा गुण गान छे। और जूदा दिन बेच बाच सारा आटा चावल दाल, क्या करते हैं कि दूजा दिन बेच बाच सारा आटा चावल दाल, ठेका पर निर्धन लोग तो कर प्रस्थान छे। देखो रे दिवाकर सरकार की कमाई ताई, देखो रे दिवाकर सरकार की कमाई ताई, मंदिर मस्जिद बंद खोली दारू की दुकान छे, मंदिर मस्जिद बंद खोली दारू की दुकान छे। और एक छंद में आपको मनोरंजन के लिए जो होली पर मैं थोड़ी थोड़ी दिन पहले लिखी हूँ, तो एक वर्णन करे छू मैं कि एक वेरिणी कहीं केरी छे होली जो उनको पिया परदेश में छे उनके लिए कि मंद मंद मीठी मीठी मादक बहार, मारा मनडा में मीठी मीठी प्रीत उपजाव छे। और सखिया का पिया घर मारा पिया परदेश, एकली न से जाऊं पर नींद नहीं आवे छे। कि होली का सुरंगा रंग देख सखी अंग अंग हेले का, होली का सुरंगा रंग देख फड़क अंग अंग, और पिया जिस मिल बाकी आग लग जावे छे, पिया जिस मिल बाकी आग लग जावे छे। कि चुप चुप छूं बाट साजना की जाऊं, कि चुप चुप रहो बट साजना की जाऊं, सखी पिया बेन फागुन फीको ही रह जावे छे, पिया बेन फागुन फीको ही रह जावे छे। दिनेश दिवाकर को तो गीत सुने तो आनंद आयो बोलो का काई स्थिति छे। मानो सब कुछ व्यवस्था व्यवस्थित छे, पर खटा खटा अव्यवस्था भी छे। और यो कवि को धर्म हो छे कि जटा जटा अव्यवस्था हो, जटा जटा कोई गलती हो,
उन्हें इंगित कर संकेत करे। ई बात को ई काम ना बखूबी अपना दिनेश दिवाकर जी कर दिया। एक बार दिनेश दिवाकर जी के लिए जोरदार। अब जो कवि ना मैं आपके बीच में न्योतो देव जा रही हूँ, राजस्थान को अशो नाम छे, बरसा से जी को एक छत्र राज्य, वो अतनो जोरदार राजस्थानी वो गीतकार छे के पूरा हिंदुस्तान में उन्हें सबसे ज्यादा सुनी गयो छे। उनका गीता में बहुत मस्ती हो छे, बहुत आनंद हो छे, हास्य हो छे, अलग ही प्रकार की विधा छे उनकी। जब आनंद सुनो तो सुनते ही आनंदित हो जाओ, जान कर जान लागे जाना नाचवाई लाग जावा। और वो कवि हो छे जी को नाम हो जो सबसे प्यारो सबसे न्यारो, वो छे अपनो बाबू भाई बंजारो, यानी बाबू बंजारो, बाबा बंजारा। उनको नाम सुनते ही लोग बाग ताड़ियां अपने आप ही बजावा ला जाओ। तो एक बार हो जाओ ताड़ियां। लीजिए, मैं सबसे पहले आदरणीय देवीलाल जी पंवार साहब की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार, कवि, लेखक, संगीतकार आदि रहे और टोंक की शान को उन्होंने बढ़ाया। इस पावन मौके पर हम उन्हें याद करते हैं और साथ ही मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके सुपुत्र भाई प्रदीप पंवार, जो देश के बहुत बड़े कवि, बहुत अच्छे संचालक और ओज के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लीजिए, मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो हास्य और श्रृंगार का मिला जुला गीत है। जैसी मेरी विदा है उसी के अनुसार ये गीत है। एक नायिका श्रृंगार करके जाती हुई नजर आती है, मैं उसे देखता हूँ, मुझे कैसा लगता है। मैंने हास्य और श्रृंगार में मिला जुला ये गीत लिखा है, आप सभी श्रोताओं के सामने पढ़ रहा हूँ। लीजिए। हे गोरी थारो, हाय हाय रे गोरी थारो, नथड़ी कोरी मोती काई दम के रे गोरी थारो, हाय हाय रे गोरी थारो, नथड़ी को मोती काई दम के, ए काई दम के रे जाने हीरो चमके रे गोरे थारो, भय भय रे गोरे थारो, नथड़ी कोरी मोती काई दम के, हे नथड़ी का मोती यूं बाजे ज्यू गूंगर की माला, के नथड़ी रा मोती यूं बाजे ज्यू गूंगर की माला, हेरी लटका कर कर गेल चले कोई जया सोड सी वाला, हे लटका कर कर गेल चले री जया सोड सी वाला, हे लहंगा की अरे लहंगा की लावण सू थारी पायल खन कर गोरे थारो, हाय हाय रे गोरे थारो, नथड़ी रो मोती काई दम के, चंदा सा मुखड़ा पर थारे तोता की सी नाकरी, चंदा सा मुखड़ा पर थारे तोता की सी नाकरी, होट गुलाबी गदराया जन नारंगी सी भाकरी, होट गुलाबी गदराया जन नारंगी की फाकरी, हे कमर कनक ती अरे कमर कनक ती का झूमर गोडा पलट करे गोरे थारो, हाय हाय रे गोरे थारो, नथड़ी कोरी मोती काई दम के, हे काई दम के रे जाने हीरो चम के रे गोरे थारो, भय भय रे गोरे थारो, हे सतरंगी चुनरिया थारी लहंगो घूमरदार रे, सतरंगी चुनरिया रे थारी लहंगोरी घूमरदार रे, सतरंगी चुनरिया थारी लहंगो घूमरदार रे,
देख देख तन घायल हो जा चतुरो चौकीदार रे, देख देख तन घायल हो जा चतुरो चौकीदार रे। हे बिछिया का अरे बिछिया का घर नाटर जद पाओ में घूम कर गोरे थारो, हाय हाय रे गोरे थारो, नथड़ी कोरी मोती काई दम के। हे रे माथा पे बिंदिया रूपाली गज गा मनसी चाल, देखिए आप क्या क्या है उसके मैं देखता हूँ। माथा पे बिंदिया रूपाली गज गा मनसी चाल रे, गाला पे काली लटियां जू, गाला पे काली लटियां जू रेशम का सवाल रे। हे कजरारी अरे कजरारी अखियां सूर्यो का जड़ियों ढाल के रे गोरे थारो, वै भै रे गोरे थारो, नथड़ी कोरी मोती काई दम के रे गोरे थारो। हे काई दम केरी जाने हीरो चम के रे गोरे थारो, हाय हाय रे गोरे थारो। बाबू बंजारा साहब के लिए बार जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए बाबू। अब ये ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन में मैं जी कवि ना आपके बीच में न्योता दे रही हूँ, और जो कवि आपके बीच ऑनलाइन जुड़वा आज है वह है नवलगढ़ की धरती का भाई श्री कांजी पारिक। वहाँ का पिता श्री स्वर्गीय बजरंगलाल जी पारिक लाल साहब को बहुत नाम रियो, वहाँ को खुद को ही बहुत नाम है, और जटा जटा राजस्थानी बसच है, वहाँ की गीत वहाँ का कविता वहाँ की राजस्थानी छंद बहुत ही प्यार से सुने जाओ जे आपने श्री कांजी पारिक। जशो नाम वशो काम वह बहुत लिखा जब बारीक ई वजह से वहाँ को नाम छे श्रीकांत पारिक। बहुत आनंद से सुनो जो एक बार जोरदार ताने। भारतीय क्षेत्र के प्रख्यात सुकवि देवीलाल जी पंवार और दादा की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं श्रीकांत पारिक श्री राजस्थानी आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। कविवर के संदर्भ में मैं चार लाइनों से स्वागत करना चाहूँगा कि मन करता है आज आपका जी भर के गुणगान करूँ, और हृदय से प्रियवर आपका जी भर कर सम्मान लिखूँ। आज लेखनी मचल रही है नेह स्नेह के वंदन को, पुष्प स्वयं ही मचल रहे हैं कविवर को श्रद्धा सुमन को, शब्द शब्द की बूंदों को सागर सारा भर डाला, और भाव के हिम शिखरों से नेह निबंधन कर डाला। मात शारदे स्वयं आपके कमरों कर कमलों में आई थी, जीवन के पल जो भी हो पर जीवन की तरुणाई थी, मोती जैसे सब सुने हैं नेह स्नेह की क्यारी में, फिर भी अंत नहीं होता है आपके वंदन में, आपके वंदन में। मैं कोरोना पे प्रेम के एक व्यंग्य लिखता हूँ और वो आपके सामने पेश करता हूँ। पड़ोत्तर, और हिंदी में उसका उत्तर है प्रत्युत्तर। एक प्रेमिका अपने पड़तैया प्रेमी ने चिट्ठी भेजी, डियर अब मैं नर्स हो गई हूँ। चिट्ठी बाचर प्रेमी भी ने उत्तर भेजो, राम करे कोरोना से बीमार होकर जल्दी से जल्दी मैं थार ले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं। नर्स पड़ोते दिनों पाछो यो तो कोई अघटित चमत्कार ही थाने मेरे ले हॉस्पिटल में भर्ती करा सके है, कारण के मैं डियर ड्यूटी दे रही हूँ गवर्नमेंट के जच्चा घर में। राजस्थानी में किसान की व्यथा और कथा पर आधारित श्रृंगार रस
और करुण रस की मिली जुली भावनाओं से ओतप्रोत मेरी कविता का शीर्षक है करसो। मैं धरती रो पूत लाडलो, मैं धरती रो पूत लाडलो, करसो मेरो नाम जी, आंधी बिरखा सर्दी ओड़ा, मुझसे लड़नो काम जी। तपे ताबड़ो लूवा चाले, तलरी भर जा चामड़ी, जोड़ पड़तियां पाड़ करूं मैं लिया हाथ में कामड़ी। और लोबड़ा चौपड़ खेले, बैठा ठंडी छाव में, मैं मारी माटी से खेलूं टूटी जूती पाँव में। बहे पसीना रा परनाड़ा, मन आराम हराम है, आंधी बिरखा सर्दी ओड़ा, लूसे लड़नो काम है। कदे बादली कर दे छाया, कदे सूर किरणा राती, आर पार हो जावे तन रे, आर न मानू कर सो भी। लिया गंडासी बोझा काटू, चूर चूर हो जा सरी, गाजे इंदर पर से बाजल, भाज भाज कर ल्यावे नीर। जोड़ा भरे मात हो जावे, तीर्थ चारू धाम है, आंधी बिरखा सर्दी ओड़ा, लूसे लड़नो काम है। अमार आप सुन रहे हैं श्रीकांत जी पारिक साहब ने वह कोरोना को भी सुनाया और उनके बाद किसान को गीत भी आप कभी सुना। किसान जी को जीवन हमेशा ही दुखों से भरपूर रहो जे, फिर भी समाज के लिए जो काम करते रहो जे, वो किसान ने समर्पित करो। मारा पिता श्री भी अशानी किसान ही था, मजदूर आदमी, और वहाँ का गीत आपके बीच में माना समर्पित, ये सब कुछ मारा मित्र कवि जो समर्पित करे, हम वहाँ सब ने इके लिए धन्यवाद दूँ जो, एक बार चाहूँ जो एक बार जोरदार ताड़िया वहाँ के लिए हो जाओ। और ई कवि सम्मेलन आप ई ऑनलाइन राजस्थानी कवि सम्मेलन जो कि मारा पिता श्री स्वर्गीय देवीलाल जी पंवार साहब की 15वीं पुण्यतिथि पर आपके बीच में लेर में उपस्थित हुआ जाए, आप बहुत लाड प्यार माने दियो छे, माने सुनया छे, उनके लिए आप सबने भी धन्यवाद। और ई कवि सम्मेलन ने आप विराम देवा छा, आपने कशुर लागियो इन्हें आप जरूर बताजो, कमेंट्स करजो और सुनजो। या सब कविया ने जामे माँ का साथ में छा, भाई देवकरण जी देव, प्रेम जी शास्त्री, कमलेश जी शर्मा, नातूलाल जी शर्मा, दिनेश दिवाकर, दामोदर दाजीज, बाबू बंजारा और श्रीकांत जी पारी, यहाँ सब ने एक बार फिर से मैं धन्यवाद देऊँ छूँ। और मारा पिता श्री ने मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ छूँ, वहाँ ने नमन करूँ छूँ। और आज का कवि सम्मेलन में ई बात ने फिर खेर विदा लेऊँ छूँ कि वहाँ उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है, इनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। तो माँ बाप की सेवा करा, माँ बाप के प्रति हमेशा नतमस्तक रहवा, वहाँ समर्पित रहवा, यही जीवन को उद्देश्य छे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।